हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। पिछले लास्ट क्लासेस में मैंने आपसे आरएनए पे बात की, डीएनए मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया, आपको डीएनए के बारे में जानकारी दिया मैंने और आगे भी कुछ न कुछ जानकारी लेते रहेंगे डीएनए के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको डीएनए पढ़ना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो घबराने की कोई बात नहीं है, लोड लेने की कोई बात नहीं है, आप बस बेसिक कंप्लीट करके रखें जो मैंने आपको डीएनए पढ़ाया है। और आरएनए मैंने कंप्लीट स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। आरएनए में मैंने आपको कहीं ना कहीं राइबोसोम की जब जिक्र की है तो भी आरएनए की डिस्कशन की है। जब मैंने पर्टिकुलरली आरएनए पे टॉपिक बनाया, एक लेक्चर बनाया, तो भी मैंने आरएनए पे आपको बेसिक चीजें बताने की कोशिश की है। तो आरएनए, उसमें मैंने क्या बताया आपको, आरएनए एक्चुअली जो नॉर्मली होते हैं वो जेनेटिक आरएनए होता है और एक नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। जेनेटिक आरएनए मतलब कि एक ऐसा आरएनए जो कि अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर रहा है, तो नॉर्मली वो वायरस में होते हैं और उसमें भी प्लांट वायरस में नॉर्मली जेनेटिक आरएनए पाया जाता है। आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, प्लांट वायरस मेनली, और भी वायरस है, मैंने आपको एग्जाम्पल तो पूरा लिख के दिया है। और उसकी बात करें फिर नॉन जेनेटिक आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम नहीं कर रहा है, जो कोई डीएनए की तरह काम नहीं कर रहा है, जैसे डीएनए काम करता है अनुवांशिक पदार्थ की तरह, तो आरएनए भी करता है, बट आरएनए जहां अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है वो कुछ वायरस के अंदर काम करते हैं, इसीलिए उसको वायरल आरएनए बोलते हैं, मैंने लिखा था पिछली क्लास में। और एक नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, नॉन जेनेटिक मतलब कि अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस में ये अपना रोल निभाएंगे, जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको राइबोसोमल आरएनए, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में आपको मेन भाग लेता है, राइबोसोम को बनाने में मेन भाग लेता है, जो कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं बॉडी में, प्रोटीन फैक्ट्री कहे जाते हैं, तो उसको बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए चाहिए, आरआरएनए के नाम से जाना जाता है जो राइबोसोम को बनाता है। ट्रांसफर आरएनए मैंने जिक्र किया कि ट्रांसफर आरएनए किस चीज का ट्रांसफर कर रहा है, वो क्या चीज है, अमीनो एसिड। मैंने लाइटली आपको ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर भी बताई थी, क्लोव है ना, लॉन्ग की पत्ती के नुमा मॉडल मैंने बताया था, एल शेप का मॉडल बताया था, आपको याद है, बेसिक चीज। आप उतना ध्यान हो, अगर आप क्वेश्चन आ रहा है आपने अगर वो डायग्राम भी बना दिया ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपने बना दिया। तो ट्रांसफर आरएनए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि वो एमिनो एसिड को कैरी कर रहा है, एमिनो एसिड को अपने साथ अटैच करता है और उस एमिनो एसिड को लेके जाता है राइबोसोम के पास, जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, जहां प्रोटीन बन रहा है। तो प्रोटीन बनता किस चीज से, एमिनो एसिड। उस एमिनो एसिड को लेके कौन आएगा, उस एमिनो एसिड्स को लेके आता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम तक लेके जाता है, राइबोसोम तक उसको लेके जाता है, वो काम है ट्रांसफर आरएनए का, जो ट्रांसफर कर रहा है ना आपको, उसको जानते हो सॉल्युबल आरएनए के नाम से भी मैंने बताया था आपको, तो मैंने ये सारी चीज आपको पढ़ा दी है। मैसेंजर आरएनए आज हम लोग बात करेंगे, मैसेंजर, आप समझ रहे हो, मैसेंजर मैसेज कैरी कर रहा है, किसका मैसेज कैरी कर रहा है, जाहिर सी बात है कि कोई बॉस है आपके कंपनी में तो उसका मैसेज कौन काम करेगा, कैरी करेगा, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा, जो उसके नीचे होगा। तो बॉस की मैसेज लेके आगे जाना है, बॉस यहाँ पे तो डीएनए है, आपके कंपनी में बॉस होंगे कोई, लेकिन यहाँ पे तो बॉस डीएनए है, सारा इंफॉर्मेशन उसी के पास है, सारी सूचनाएं उसी के पास है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है सारी इंफॉर्मेशन उसी के पास है। अब उस बॉस मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन, बॉस कहता है मैं तो ऑफिस में बैठा रहूंगा, बॉस ऑफिस से बाहर निकलने की बात ही नहीं कर रहा है, एसी रूम में बैठा हुआ है, यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो वहां से उसकी इंफॉर्मेशन आगे लेके जानी है, तो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, पहले डीएनए से। तो वही आपको एमआरएनए की जिक्र आज मैं आपसे करूंगा। और एमआरएनए में एमआरएनए वैक्सीन क्या है, कोरोना में एमआरएनए की वैक्सीन बनी है, एक्चुअली आरएनए की वैक्सीन तो मॉडर्ना और फाइजर कंपनी ने भी बनाया है, आरएनए इंटरफेरेंस के आधार पर आरएनए की वैक्सीन मॉडर्ना एंड फाइजर कंपनी, लेकिन वो हमारे देश में आया नहीं, लेकिन हमारे देश में ही पुणे बेस्ड कंपनी ने एमआरएनए वैक्सीन बनाया। तो वो समझ जाएंगे कब, जब आप एमआरएनए समझ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एमआरएनए वैक्सीन कैसे बनाई गई है, ठीक है। तो पहले एमआरएनए समझते हैं हम लोग, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, कहीं ना कहीं इसको इंफॉर्मेशनल आरएनए के नाम से भी जानी जाती है, जाना जाता है, क्योंकि ये सूचना को कैरी कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है उसको कैरी कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली मैसेंजर आरएनए का रोल क्या है। मैंने वैसे 4 से 5 बार इसका जिक्र किया है, अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे ना, 4 से 5 बार, मैं जानता हूं एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कोशिश करता हूं आपको समझाऊं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। तो ग्रैप्स करना बहुत जरूरी है, मैं इस इजी वे में समझा रहा हूं, आप अगर अच्छे तरीके से सुनेंगे ना तो समझ में आ जाएगी, बस सुनना आपको है अच्छे तरीके से और रिवाइज करना है, ठीक है। और साथ के साथ जब आपको लेक्चर दे रहा हूं मैं, तो अपने कमेंट लिखेंगे, कमेंट के अंदर लिखेंगे कि कैसा लग रहा है, कोई डाउट है तो लिख सकते हैं, मे बी डाउट आ सकती है, मेरी कोशिश रहती है कि आपको डाउट ना आए, ठीक है ना, फिर भी
हर इंसान की अपनी अपनी एक पावर होती है किसी चीज को समझने की, तो वो इंडिविजुअली हो सकता है कि किसी को डाउट कुछ चीज पे आ जाए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मुझसे पूछ ले वो चीज, ठीक है? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी फीलिंग को वहां पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो आपको लेक्चर में जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कैसा लगा, है ना, सारी चीजें। mRNA, मैसेंजर आरएनए, ये जो टर्म है मैसेंजर आरएनए, और याद होगा जेनेटिक आरएनए की तो मैंने बात की थी, जो वायरल आरएनए होते हैं, वायरस में जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। नॉन जेनेटिक आरएनए में तीन आरएनए, mRNA, tRNA, rRNA, और एक मैंने बताया था स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और उसके बाद कैटालिटिक आरएनए। तो मैंने कैटालिटिक आरएनए की बात कर दी है पिछली क्लास में। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए आपको नहीं समझना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? बट आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर भी थोड़ा बहुत आरएनए पाया जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़ा बहुत आरएनए पाया जाता है, इसलिए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए बोल रहे हैं। तो mRNA, इस टर्म को किसने दिया? इस टर्म की बात करोगे मैसेंजर आरएनए, तो टर्म वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। ये टर्म जो है लिखेंगे, टर्म वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। ये लोग थे, दो व्यक्ति जिन्होंने mRNA शब्द को दिया, टर्म को दिया। ये क्या करता है mRNA? mRNA एक्चुअली कितना परसेंट होगा सेल में? मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि सबसे ज्यादा राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 70-80% टोटल आरएनए का, सेल में जितना भी आरएनए है उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके पास, किसका है? राइबोसोमल आरएनए। क्यों है? मैंने इसकी भी जिक्र की थी, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए ज्यादा इसलिए है बिकॉज राइबोसोम को बनाना है, क्योंकि राइबोसोम बनेगा तभी जाकर प्रोटीन बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। mRNA लगभग 10%, tRNA भी लगभग 10% होता है ना, कहीं आपको वेरिएशन दिख जाएगा, मैंने पिछली क्लास में कुछ वेरिएशन दिखाया था आपको 10% के आसपास में, लेकिन लगभग 10% याद रख सकते हो। तो mRNA भी ये लगभग 10% होते हैं, 10% टोटल जो RNA है सेल में, टोटल RNA उसका 10%, और mRNA ये है, tRNA भी लगभग टोटल RNA का 10% होता है। तो ये टर्म वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ बताता हूं, जब क्या होता है इसके अंदर कि डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री और डीएनए की जो हिडन इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली डीएनए के अंदर क्या है इंफॉर्मेशन हिडन है, उसको क्रिप्टोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए के जो हिडन इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर, उसको क्रिप्टोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उस क्रिप्टोग्राम को डिकोड करना है। तो वो कैसे डिकोड होगा? तो डीएनए की हिडन इंफॉर्मेशन, दैट इज क्रिप्टोग्राम को डिकोड करता है mRNA। क्रिप्टोग्राम जो हिडन इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करता है कौन? mRNA। और कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन का प्रोपेगेशन करा रहा है डीएनए टू mRNA। तो डीएनए से थोड़ा ये भी समझ लेंगे आप हल्का सा, मैंने जिक्र किया था डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है, फिर आते हैं mRNA पे। जब डीएनए से डीएनए बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रेप्लीकेशन, प्रतिलिपिकरण। रेप्लीकेट कर रहा है डीएनए, अपने आप की कॉपी बना रहा है, तो डीएनए से डीएनए बना प्रतिलिपिकरण के नाम से जानी जाती है, ठीक है? और डीएनए से आरएनए बनेगा, तो डीएनए से आरएनए बना तो इसको बोलते हैं रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन किसको बोलेंगे? रेप्लीकेशन इसे नहीं बोलते हैं, रेप्लीकेशन इसको बोलते हैं प्रतिलिपिकरण। डीएनए से आरएनए बनेगा, यह आपको मैंने बार बार बताया है, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, याद है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रेप्लिकेशन है, प्रतिलिपिकरण, अपने कॉपी बना रहा है, और ये ट्रांसक्रिप्शन है, अनुलेखन, है ना? तो डीएनए से आरएनए का बनना, कोई भी आरएनए हो सकता है ये, चाहे टीआरएनए या एमआरएनए जो आप पढ़ रहे हो अभी, या राइबोसोमल आरएनए, कोई भी आरएनए हो सकता है, कोई भी बनेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाएगा। तो ये समझ में आया। अब आपको बताऊं कि आरएनए से अगर डीएनए बन गया, कुछ वायरस में होता है, आरएनए से डीएनए बन गया, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स हो गया ना, है ना? तो कुछ वायरस में ऐसा पाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा, बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए से डीएनए बन जाता है। और कहीं ना कहीं इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को? टेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं इसको, टेमिनिज्म, टेमिन नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसे उसको टेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये लिख लेंगे। अब आपके पास मान लो आरएनए है, जेनेटिक आरएनए है ना, जेनेटिक आरएनए जो जानते हो वायरल आरएनए होते हैं, जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। जेनेटिक आरएनए से अगर बात करें, जेनेटिक आरएनए से अगर नॉन जेनेटिक आरएनए बन गया, mRNA, tRNA, rRNA, नॉन जेनेटिक आरएनए अगर बना, जेनेटिक आरएनए से नॉन जेनेटिक आरएनए अगर बनता है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे नॉन जेनेटिक आरएनए। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, नॉन जेनेटिक आरएनए, है
है ना, अगर ये बनता है जेनेटिक आरएनए से नॉन जेनेटिक आरएनए, तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, उसको भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ही बोलेंगे, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन हो गया। तो जेनेटिक आरएनए से नॉन जेनेटिक आरएनए यानी एमआरएनए, क्योंकि वायरस के अंदर क्या है, आरएनए है, तो अपना नॉन जेनेटिक आरएनए अगर बना रहा है तो ये ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से ही बोले जाते हैं, ठीक है। और जेनेटिक आरएनए अपना रेप्लिकेशन करके भी ये बना सकता है, रेप्लिकेशन करेगा, प्रतिलिपि करेगा। तो वायरस के अंदर जेनेटिक आरएनए क्या होता है, वायरस के अंदर जो आरएनए है अपना ही प्रतिलिपिकरण कर देता है, अपनी ही कॉपी बनाता है, उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। जैसे मैंने डीएनए में बताया अपनी ही कॉपी बनाना, तो रेप्लिकेशन यहां पे भी होता है जेनेटिक आरएनए से जेनेटिक आरएनए का बनना। और जेनेटिक आरएनए का बनना रेप्लिकेशन, इसको ध्यान रखना। जैसे डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्या हो रहा है, बेसिक चीज है, ठीक है। मैंने बार बार आपसे बात की है। अब डीएनए की हिडन इन्फॉर्मेशन है, अब जो डीएनए की जो हिडन इन्फॉर्मेशन है, क्रिप्टोग्राम के नाम से जानी जाती है, जो डीएनए की हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांसक्रिप्शन माध्यम से, ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से क्या हो रहा है, आरएनए एमआरएनए के अंदर आ जाती है। डीएनए की हिडन इन्फॉर्मेशन अनुलेखन के माध्यम से एमआरएनए के अंदर, एमआरएनए, आरएनए में भी कौन सा, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के अंदर वो आ जाती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में आ जाएगी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एमआरएनए को थोड़ा, ये बेसिक चीजें मैंने बता दी। वैसे मैंने जिक्र तो किया है बहुत बार, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं, ये सब चीजें भूलना नहीं है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन बहुत बड़ी प्रोसेस है, ये इतना छोटा आसान नहीं होता है ये, ठीक है ना। तो वो आपको एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ठीक है ना, ये प्रोसेस कैसे होती है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एमआरएनए की अगर बात करेंगे, तो एमआरएनए को मैं आपको डिटेल में, इसकी स्ट्रक्चर आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको जिक्र कर दूंगा। ये क्या करता है, ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आपने देखा डीएनए की इन्फॉर्मेशन, तो कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम कहां से, डीएनए से, डीएनए से बोला ना मैंने आपको अभी, तो डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ऑफ न्यूक्लियस, जो डीएनए न्यूक्लियस में है, कहां, टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो एमआरएनए जो डीएनए से बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए जो बन रहा है वो न्यूक्लियस में बन रहा है। अब न्यूक्लियस से एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, तो वही मैंने लिखा है कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एमआरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, टू द साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, टू द साइटोप्लाज्म वेयर क्या होगा, राइसाइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, वहीं पे प्रोटीन बनेंगे, वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, मतलब संश्लेषण होगा, बनेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे साइटोप्लाज्म में आता है जहां प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जो भी एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर प्रोटीन बनेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर ये सारे प्रोटीन बनते जाएंगे, ठीक है, ये आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। और इसमें एमआरएनए इज सिंथेसाइज, एमआरएनए कोई पूछेगा कहां बनता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। डीएनए से एमआरएनए का बनना जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन हुआ कहां पे, वो न्यूक्लियस के अंदर ही हुआ, यूकैरियोट्स में, आपको ध्यान रखना है, यूकैरियोट्स में ऐसा होता है। प्रोकैरियोट्स में आप जानते हो न्यूक्लियस तो है ही नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है प्रोकैरियोट्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है, यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। इट इज सिंथेसाइज एज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑन द डीएनए टेम्पलेट, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो डीएनए में जो भी नाइट्रोजनस बेस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, याद करो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने समझाया था, ए तो टी, जी तो सी, ऐसा याद है कुछ मैंने बताया था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस एमआरएनए में आता है। डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है नाइट्रोजनस बेस के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऐसे ही होगा ना कुछ ना कुछ, याद है ना, ए टी जी सी, ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस आता है एमआरएनए में, ये आपको ध्यान रखना। तो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आता है एमआरएनए में, तो इट इज सिंथेसाइज एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज सिंथेसाइज मतलब एमआरएनए, इट इज सिंथेसाइज एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कैसा स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑन द डीएनए टेम्पलेट, डीएनए के सांचे पे ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए के सांचे पे, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑन द डीएनए टेम्पलेट, है ना, टेम्पलेट आप समझते हो, सांचा। तो ये डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है एक्चुअली डीएनए का ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन रहा है। आप पूछो क्या मैं बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री, तो देखिए क्या है, ये मान लो डीएनए स्ट्रैंड है, उस पर कोई एडेनिन, थाइमिन,
गुआनिन, साइटोसिन, ऐसे बहुत सारे बेसेस होंगे, है ना, डीएनए में बेसेस होंगे, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसका ये डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए का एक सांचा है, अब इसी पे बनना है क्या एमआरएनए, बट इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो कैसे होगा कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए अगर एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री की बात करोगे, आरएनए है तो यहां यूरेसिल आएगा, अगर डीएनए होता तो थायमिन आता है, ए टी डीएनए में होता है, लेकिन आरएनए में ए से यू का बनता है कॉम्प्लीमेंट्री, ए यू के साथ पेयर करता है, एडेनिन यूरेसिल के साथ पेयर करता है, तो ये यूरेसिल हो गया। थायमिन किसके साथ करेगा, थायमिन आपको किसके साथ करेगा, थायमिन एडेनिन के साथ करेगा, ठीक है। गुआनिन किसके साथ करेगा, साइटोसिन, साइटोसिन किसके साथ करेगा, गुआनिन, ये कॉम्प्लीमेंट्री आ गया किसमें, एमआरएनए में। तो यही तो मैं बता रहा था, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए में आता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसका कॉम्प्लीमेंट्री इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब जानते हो थायमिन का स्थान पे यूरेसिल होता है आरएनए में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये एमआरएनए आपका बन गया। अब एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा एंजाइम है जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, तो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, पॉलीमरेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ एमआरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, जो मैंने पहले बता दिया, अनुलेखन, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, आगे चलेंगे इसमें, ठीक है, नोट कर लिया आपने। एमआरएनए का आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या आपको जानना है। डीएनए है जेनेटिक मैसेज, आप जानते हो डीएनए के पास जेनेटिक मैसेज है, वही इंफॉर्मेशन है उसके पास, हिडन इंफॉर्मेशन है ना, काम की इंफॉर्मेशन उसी के पास है, वो सूचना उसी के पास है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके पास है। दिस जेनेटिक मैसेज आर कॉपीड बाय द एमआरएनए, वो जो जेनेटिक मैसेज डीएनए के अंदर है उसका कॉपी होगा एमआरएनए में आएगा, वो यानी ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से आएगा, ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद क्या होगा, एमआरएनए हैज दिस मैसेज, अब एमआरएनए के पास वो मैसेज आ गया जो मैंने अभी बना के दिखाया, एमआरएनए के पास जो मैसेज है वो किस फॉर्म में मैसेज है, ये जो सूचना है एमआरएनए के पास आई है जो मैंने बना के दिखाया, ये सूचना किस फॉर्म में है, ये सूचना होती है जेनेटिक कोड के फॉर्म में, कोडॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जो एमआरएनए के पास सूचना है इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, जो डीएनए से एमआरएनए बना, तो एमआरएनए में इंफॉर्मेशन जो आई है डीएनए की, वो किस प्रकार से इंफॉर्मेशन उसके अंदर में है, तो डी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड या कोडॉन्स, ठीक है। तो कोडॉन्स वगैरह आपको डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम यहां पर बात करेंगे आपसे। देखिए इच कोडॉन या कोडॉन्स या इच जेनेटिक कोड, एक एक जेनेटिक कोड की बात करोगे, एक एक जेनेटिक कोड, ये बेस ट्रिपलेट होते हैं, अब इसकी बात मैं करता हूं आपसे। बेस ट्रिपलेट मतलब कि तीन नाइट्रोजनस बेस का समूह ग्रुप, मतलब मान लो ए यू जी, एडेनिन यूरेसिल गुआनिन, ये तीन नाइट्रोजनस बेस, इसके समूह को हम लोग एक कोडॉन बोलते हैं या जेनेटिक कोड बोलते हैं, जेनेटिक कोड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेस ट्रिपलेट है, इसलिए मैंने बोला बेस ट्रिपलेट मतलब तीन बेस, बेस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, तीन, AUG, ये जो कोडॉन है, जो जेनेटिक कोड है AUG, ये क्या करता है, तीन नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है ना, और एक सिंगल mRNA has several genetic codes, ये तो एक है। आपको क्या लगता है, एक सिंगल mRNA की बात करोगे, एक सिंगल mRNA की बात करोगे, या अगर mRNA है, RNA सिंगल स्ट्रैंड होगा, आपको पता है, तो ये नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, तो एक सिंगल mRNA की बात करोगे तो इसमें एक जेनेटिक कोड नहीं होगा, बहुत सारे जेनेटिक कोड होंगे, तीन तीन के समूह बहुत सारे होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक सिंगल एमआरएनए में, ए सिंगल एमआरएनए हैज सेवरल जेनेटिक कोड्स, लिख लोगे ए सिंगल एमआरएनए जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया, हैज सेवरल जेनेटिक कोड्स, यही जेनेटिक कोड, ये एक जेनेटिक कोड है, ऐसे बहुत सारे होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सेवरल जेनेटिक कोड्स होता है उसके अंदर में। जेनेटिक कोड डिटरमाइंस, ये क्या बताता है जेनेटिक कोड, ये जो कोडॉन तीन नाइट्रोजनस बेस का समूह मैंने बोला, और ये समूह इसके अंदर में बहुत सारे हो सकते हैं एमआरएनए के अंदर, ये एमआरएनए है, ठीक है, ये 5' जो 3' मैंने बताया एमआरएनए को, प्राइम वगैरह आपने समझा होगा, डीएनए मैंने बताया था आपको। तो इसमें जो जेनेटिक कोड है ये क्या बताता है, ये जेनेटिक कोड्स डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए प्रोटीन चेन, ये एक जेनेटिक कोड किसी एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
तो जैसे ये है, आप पूछोगे ये कौन सा एमिनो एसिड को बताता है, तो ये AUG मिथियोनिन को बताता है, ये मिथियोनिन को बताता है, ये मिथियोनिन एमिनो एसिड है जो कि प्रोटीन बनाने में भाग लेगा। तो एक एक जेनेटिक कोड या एक एक कोडॉन्स जैसे ये है, एक एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्मली ध्यान रखना, हर एक जेनेटिक कोड एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक कोड एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जेनेटिक कोड्स डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, जेनेटिक कोड क्या करते हैं, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन द प्रोटीन चेन, प्रोटीन चेन में कैसे एमिनो एसिड का सीक्वेंस जुड़ेंगे और प्रोटीन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, जेनेटिक कोड। इसको लिखेंगे इस जेनेटिक कोड, या द जेनेटिक कोड डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, जेनेटिक कोड डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन चेन। किसी प्रोटीन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या होंगे वो यही बता रहा है, क्योंकि ये एक एक एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक है ना, एक एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक एमिनो एसिड, जब भी एक ट्रिपलेट आएगा AUG या ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट बनेंगे, एक एमिनो एसिड की बात करता है, ये एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बस इतना समझना आपको, ठीक है। अब जानते हो 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, वही अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक एमिनो एसिड तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन होगा उसमें एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, एमिनो एसिड्स का पॉलीमर होता है प्रोटीन। तो एमिनो एसिड जो जुड़ते जाएंगे, तो जो पहला एमिनो एसिड होगा प्रोटीन में वो हमेशा मिथियोनिन होता है, इतना ध्यान रखना। पहला एमिनो एसिड प्रोटीन में जो भी होगा, कोई भी प्रोटीन हो, पहला एमिनो एसिड मिथियोनिन होगा, चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, आपको ध्यान रखना है, पहला एमिनो एसिड प्रोटीन होगा, ध्यान रखना। उसके बाद कोई और अलग अलग एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे और फिर एक प्रोटीन का चेन बनेगा, बट पहला एमिनो एसिड मिथियोनिन ही होगा, आपको ध्यान रखना है, AUG यही पहला एमिनो एसिड होता है मिथियोनिन किसी भी प्रोटीन चेन में। ये हो गया इच जेनेटिक कोड्स कोड्स एंड एमिनो एसिड, इसको समझ सकते हो, हर एक जेनेटिक कोड कोड करता है, रिप्रेजेंट करता है एक एमिनो एसिड को, जैसे मैंने यहाँ पे मिथियोनिन की बात की है, ठीक है। एवरेज मॉलिक्युलर वेट ऑफ mRNA, अगर इसकी मॉलिक्युलर वेट की बात करोगे 500,000 डाल्टन होता है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आप समझ सकते हो मॉलिक्युलर वेट कितना है इसका, 500,000 डाल्टन के आसपास होता है, एवरेज मॉलिक्युलर वेट 500,000 डाल्टन के आसपास होता है, ठीक है। और शॉर्ट लाइफ होते हैं ये, शॉर्ट लाइफ, ज्यादा समय नहीं होता है, शॉर्ट लाइफ, ये जब बनते हैं ना mDNA से जो mRNA बनते हैं, तो शॉर्ट लाइफ होते हैं, शॉर्ट लाइफ RNA, 2 मिनट के आसपास इनकी लाइफ होती है, 2 मिनट, तुरंत न्यूक्लियस एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम है वो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, इसकी एक्टिविटी को आधा कर देते हैं, इसलिए हाफ लाइफ की बात करते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इनकी जो लाइफ होती है लगभग 2 मिनट के आसपास होती है, DNA से mRNA बनता है तो इनको तुरंत न्यूक्लियस एंजाइम, एक्सो न्यूक्लियस, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, इनको खराब कर दिया जाता है, इनको काट दिया जाता है। लेकिन भैया अगर कट जाएगा mRNA तो ये प्रोटीन बनाने में भाग कैसे लेगा, कैसे राइबोसोम के साथ जाके जुड़ेगा। याद है मैंने राइबोसोम के टनल बात की थी, टनल में mRNA को घुसाया था, क्योंकि वहां जब घुस जाता है तो बेचारा ये बच जाता है, वहां पे छुप जाता है, न्यूक्लियस एंजाइम इसको काट नहीं पाते हैं, और भी प्रोसेस होती है कुछ, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है mRNA में, mRNA जब बनता है ना तो डायरेक्ट DNA से mRNA जब बनता है ना, इसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, ऐसी प्रोसेसिंग होती है ताकि आपको न्यूक्लियस एंजाइम इसको डाइजेस्ट ना कर पाए, इसको खराब ना कर पाए, कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, तब जाके ये टिक पाता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर 2-3-4 घंटे तक का समय लगता है। ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जब होगा, ट्रांसलेशन के माध्यम से प्रोटीन बनेगा, इस समय में टाइम लगता है, 2-3-4 घंटे के आसपास लग जाते हैं, सोच लो, तो इतने समय तक कैसे रहेगा, इसमें कुछ प्रोसेसिंग की जाती है mRNA में, ताकि ये बचा रहे, बचा रहेगा तभी तो प्रोटीन बनाने में भाग लेगा, mRNA जाके राइबोसोम में जाके जुड़ेगा, उस टनल में घुसेगा, उस सुरंग में घुसेगा, याद है, और जब आपको वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ये आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, शॉर्ट लाइफ होते हैं। mRNA ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का जो mRNA होता है उसमें क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ वन जीन ओनली, सिर्फ एक जीन की इन्फॉर्मेशन होगी। mRNA जो यूकैरियोट्स के अंदर होंगे, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स आप जानते हो, मैंने पढ़ाया था, तो mRNA जो यूकैरियोट्स का होगा उसमें इन्फॉर्मेशन वन जीन, एक जीन का इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको मोनोजेनिक या मोनोसिस्ट्रॉनिक RNA बोलते हैं, लिख सकते हैं, सिस्ट्रॉन की बात की जाती है यहां पर, सिस्ट्रॉन। तो यहां पर अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं जो mRNA है, mRNA of eukaryotes have the information, mRNA of eukaryotes
हैव द इंफॉर्मेशन. कैसा इंफॉर्मेशन इसके पास है? इंफॉर्मेशन ऑफ वन जीन ओनली. एक जीन का इंफॉर्मेशन है, वन जीन ओनली. मतलब कि मोनोजेनिक है. मोनो मतलब सिंगल होता है, मोनोजेनिक या मोनोसिस्ट्रॉनिक. सिस्ट्रॉनिक आरएनए, तो इसको मोनोजेनिक या मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि एक जीन की इंफॉर्मेशन है. तो आप पूछोगे प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी जीन्स, बहुत सारे जीन की सूचनाएं उसके अंदर में होती है. तो उसको आप मोनो नहीं बोलोगे, उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलोगे, क्योंकि बहुत सारे जीन की इंफॉर्मेशन प्रोकैरियोट्स में होती है. तो लिख सकते हो इन प्रोकैरियोट्स दे हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर में होती है. इसको पॉलीजेनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है. प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में एक जीन की इंफॉर्मेशन होती है, ये मोनोजेनिक या मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बोलते हैं. ये आपको समझ में आई, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है. आगे चलते हैं. सिस्ट्रॉन का मतलब समझ सकते हो, सिस्ट्रॉन क्या है? एक्चुअली सिस्ट्रॉन आपको समझना है तो मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं. देखिए, पहले एक कॉन्सेप्ट था कि वन जीन, एक जीन एक एंजाइम को बनाता है. ये पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था, ये फ्लॉप हो गया, नहीं चला. एक जीन एक एंजाइम को बनाता है, ये नहीं चला. एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को बनाता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट था पहले, कि एक जीन जो होता है एक पॉलीपेप्टाइड को बनाता है, पॉलीपेप्टाइड. तो ये भी कॉन्सेप्ट चला नहीं, फ्लॉप हो गया. फिर बाद में है एक सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड. फिर एक सिस्ट्रॉन जो होता है, एक सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड को बनाता है, ये अभी चल रहा है. एक सिस्ट्रॉन जो होता है एक पॉलीपेप्टाइड को बनाता है. सिस्ट्रॉन मतलब कि वो जो काम की इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, है ना. सिस्ट्रॉन के अंदर एमआरएनए में जो मैंने बनाया था एमआरएनए, उसके अंदर में कुछ रीजन होता है जिसको सिस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं. अभी बता देता हूं आपको, चिंता नहीं करना, हल्का सा बता ही दूंगा. तो एक सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड, ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है. एक सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, ये दो कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो चुके हैं, है ना. पहले माने जाते थे, अभी फ्लॉप हो चुके हैं, ठीक है. अब मैं इसमें आपको बताता हूं आगे कि यूकैरियोट्स एमआरएनए है इज मोर स्टेबल देन प्रोकैरियोट्स आरएनए. जो प्रोकैरियोट्स का जो एमआरएनए है उससे ज्यादा होता है यूकैरियोट्स का आरएनए, स्टेबल, स्थिर ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी में ज्यादा होती है, ठीक है. समटाइम्स द यूकैरियोटिक आरएनए, जो यूकैरियोट्स का जो एमआरएनए है, कुछ ऐसा भी समय आता है, समटाइम्स द यूकैरियोटिक एमआरएनए, यूकैरियोटिक्स एमआरएनए, ये क्या करता है, एमआरएनए जो होती है नॉर्मली, इसको मैं लिख दूं आपको, है ना. ये नोट कर लिया आपने, ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है. अभी मैं सिस्ट्रॉन की बात आपसे कर लूंगा, हल्का सा बता ही दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको वो समझने में भी दिक्कत नहीं होगी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है. तो इसमें चलते आगे. इसमें आपने नाम अगर सुना होगा, कभी क्वेश्चन आ गया कि इसमें इनफार्मोसोम क्या होता है, कभी इनफार्मोसोम की बात करें, इनफार्मोसोम, इनफार्मोसोम, तो ये mRNA से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है. इन फार्मोसोम जो होता है ये mRNA से रिलेटेड है. इसमें क्या होता है, जो यूकैरियोट्स के जो mRNA होते हैं, यूकैरियोट्स के जो mRNA होते हैं, ये mRNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. mRNA और प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनती है, एक जुड़ जाते हैं. mRNA प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है. यूकैरियोट्स में ऐसा होता है, mRNA प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफार्मोसोम. एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है mRNA एंड प्रोटीन का, ठीक है. उसमें कितना होता है लगभग mRNA और प्रोटीन कितने कितने होते हैं, जब जुड़ेंगे तो उनका रेशियो होगा ना, कितना कितना है mRNA एंड प्रोटीन, लगभग 1:4 होते हैं. ये जो जुड़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है ना mRNA प्रोटीन का, उसको इनफार्मोसोम बोलते हैं, ठीक है. तो ये 1:4 होते हैं, 1:4 में ये होते हैं, ठीक है. अब इसमें आगे चलते हैं. अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली इसमें है क्या, आपको जानना जो एमआरएनए के अंदर क्या होता है. थोड़ी सी मैं ऐसे डिटेल आपके एग्जाम में नहीं है, डस्टर किधर गया, हाँ, एमआरएनए आपके एग्जाम में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं आपको स्ट्रक्चर सिस्ट्रॉन वाली बात समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है. देखिए, एमआरएनए अगर ड्रॉ करूं तो ये 5' to 3' टर्मिनल में आपको लाइन डायग्राम समझा रहा हूँ, बेसिक आपको लाइन डायग्राम बना के समझा रहा हूँ. देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कुछ रीजन होते हैं. पहला होता है लीडर रीजन, लिख लेंगे पहले लीडर रीजन. दूसरा अपस्ट्रीम रीजन. तीसरा कोडिंग रीजन या इनिशिएशन कोडॉन. इसी के अंदर रीजन होते हैं, पहला लीडर रीजन होता है, अपस्ट्रीम रीजन होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस होते हैं, चौथा डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस, पांचवा टर्मिनेशन कोडॉन,
बस नाम सुन लीजिए, हल्का सा सिस्ट्रॉन बता दूंगा आपको। सिस्ट्रॉन किसको बोलते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ, डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर की जानकारी आपको नहीं चाहिए। टर्मिनेशन कोडॉन, उसके बाद ट्रेलर सिक्वेंस और सातवां पॉली ए टेल। एडिनिन की टेल बनती है, पूंछ बनती है, ठीक है ना। ये कब बनती है पूंछ, जब डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा ना। तो मैंने बोला था ना एमआरएनए की लाइफ ज्यादा है नहीं, 2 मिनट के आसपास होती है। अब इसकी लाइफ बढ़ानी है तो इसके टेल में यहां पे एडिनिन जोड़ दिए जाते हैं, एडिनिन, इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये प्रोसेसिंग की जा रही है एमआरएनए में, ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, ताकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के समय जो समय लगती है यूकैरियोट्स में, 2 से 4 घंटे तक लग जाते हैं, उतने समय जी पाए एमआरएनए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसी के पास है। ठीक है, तो उसके लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें से पॉली ए टेल मतलब कि एडेनिन का टेल पूंछ जुड़ जाती है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस की पूंछ जुड़ जाती है। देखिए, तो यहाँ पे पहला रीजन होगा लीडर रीजन, यही यहाँ पर सीधा लगा देना है, लीडर रीजन। दूसरा रीजन होगा क्या, अपस्ट्रीम। और तीसरा रीजन क्या है, इनिशिएशन कोडॉन। और इनिशिएशन कोडॉन के बाद ये डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस, ये पूरा डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस है ना, ये एमआरएनए के अंदर देखो ये सारे चीज होते हैं। उसके बाद टर्मिनेशन कोडॉन, उसके बाद क्या होगा ट्रेलर सीक्वेंस, ये ट्रेलर सीक्वेंस, उसके बाद पॉली ए टेल, एडेनिन की पूंछ लग जाती है। ये कुछ है। अब इसमें आपको किसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, यही मैं आपको बताना चाहता था ना। तो सिस्ट्रॉन बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन से लेते हुए टर्मिनेशन कोडॉन का जो रीजन होता है, ये जो रीजन है इसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। बस यही आपको जाना था ना, सिस्ट्रॉन मैंने बताया था, ये इनिशिएशन कोडॉन से स्टॉप सिग्नल, इसको आप टर्मिनेशन कोडॉन भी बोलते हो, स्टॉप सिग्नल भी बोलते हो, स्टॉप कोडॉन भी बोलते हो, इसको इनिशिएशन कोडॉन भी बोलते हो, स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हो, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन से लेते हुए, इनिशिएशन कोडॉन से लेते हुए, या स्टार्ट कोडॉन से लेते हुए, और यहां तक का जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, उसको एक सिस्ट्रॉन के नाम से जानी जाती है, एक सिस्ट्रॉन बोलते हैं, ये इसमें ध्यान रखना है। और सिस्ट्रॉन के अंदर ही यहाँ पे दो चीज होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आती हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। अब इसमें एक्सॉन इंट्रॉन में भी क्या होता है कि इंट्रॉन जो होती है ये नॉनसेंस होता है, ये नॉनसेंस होता है, ये काम की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं होती है, नॉनसेंस है। एक्सॉन जो होता है ये काम की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, जो प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो काम की इंफॉर्मेशन सिस्ट्रॉन में भी, सिस्ट्रॉन में भी किसके पास है, एक्सॉन के पास है, इंट्रॉन के पास नहीं है। ये नॉनसेंस है, ये कोई काम में नहीं आने वाला है, इसका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं है, इसका एक्सॉन का है। तो हमें इसको काट के निकालना पड़ता है, इंट्रॉन को, इसमें से इंट्रॉन को काट के निकालना पड़ता है, तो प्रोसेसिंग की जाती है, समझना रहा, आरएनए स्प्लाइसिंग की जाती है, मतलब काट के इंट्रॉन को निकाल इसको, क्योंकि ये काम का इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोटीन बनाने में कोई भाग नहीं लेने वाला है, ठीक है, ये लेगा एक्सॉन लेगा, तो इसको काट के निकालना पड़ता है, इसलिए आरएनए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहां से यहां तक का इसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, जिसके अंदर में एक्सॉन है, जिसके अंदर में काम की इंफॉर्मेशन है, और वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन बनाने में भाग लेगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा, ये आपको ध्यान रखना है सिस्ट्रॉन के बारे में। अब डिटेल में आपको सिस्ट्रॉन नहीं पढ़ना है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होते हैं, डाइसिस्ट्रॉनिक क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होते हैं, वो सब आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन इतना आपको पता चल गया सिस्ट्रॉन किसको बोलते हैं। और ये सारे रीजन होते हैं यहां से यहां, 5' to 3' मैंने सारा लिख दिया है, ये रीजन होते हैं, ठीक है, ये सारे लीडर रीजन में, जो लीडर रीजन में जो नाइट्रोजनस बेस होंगे इसमें भी नॉनसेंस होगा, कोई नाइट्रोजनस बेस कोई काम का नहीं है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले रहा है, ये अपस्ट्रीम में भी कोई भाग नहीं ले रहा है। ये नीचे यहाँ पे देखो, ये ट्रेलर सीक्वेंस, यहाँ पे ट्रेलर सीक्वेंस होगी, ये भी इसके भी जो नाइट्रोजनस बेस है वो भी कोई भाग नहीं ले रहे हैं प्रोटीन बनाने में, और यहाँ पे ये भी सब ये नॉनसेंस है, बस जो है वो यही काम का है, इनिशिएशन कोडॉन से टर्मिनेशन कोडॉन, जिसको सिस्ट्रॉन बोल रहे हो, लेकिन उसमें भी एक्सॉन काम के हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी ये प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेता, तो सब ये नॉनसेंस है। इंट्रॉन ये भी नॉनसेंस है, ये भी नॉनसेंस, सारे नॉनसेंस रीजन है। तो ये भी लीडर, अपस्ट्रीम, उसके बाद ट्रेलर सीक्वेंस, ये सारे नॉनसेंस हैं। नॉनसेंस का मतलब कोई प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले रहे हैं, ये कोई भी प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इनके पास इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने की नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपने देखा कि क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो बीच का अंतराल है 2 से 4 घंटा है, लेकिन एमआरएनए का जो लाइफ वो 2 मिनट का है। अब वो कैसे जिए, 2 से 4 घंटे तक कैसे सर्वाइव करे,
ताकि प्रोटीन सिंथेसिस में उसका रोल है एमआरएनए का, तो हमें आरएनए में प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, आरएनए में प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। क्या प्रोसेसिंग है दिखा दूं आपको, यही पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, 5 प्राइम पे मिथाइल ग्रुप CH3 को जोड़ दो, तो जब CH3 जोड़ लोगे तो न्यूक्लियस एंजाइम इस पे एक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कौन से वाले न्यूक्लियस है, एक्सो एंडो, वो आपको नहीं चाहिए, बट न्यूक्लियस एंजाइम जिसको काट देते हैं एमआरएनए को, अगर आपने मिथाइलेशन कर दिया, 5 प्राइम एंड पे आपने मिथाइल जोड़ दिया, तो ये आपको एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम या न्यूक्लियस एंजाइम जो होती है वो इस पे अपना असर नहीं दिखा पाएंगे, वो अब इसको खराब नहीं कर पाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो ये मिथाइलेशन या कैपिंग के नाम से जानी जाती है, एक कैप लग चुकी है मिथाइल की, तो अब यहां पे प्रभाव नहीं डाल पाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये उसके बाद क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग करते हैं, स्प्लाइसिंग आरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें क्या होता है, मैंने बोला इंट्रॉन काम का सीक्वेंस नहीं है, इसमें जो नाइट्रोजन छार है वो कोई काम के नहीं है, वो कोई प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो इसको काट के निकालना है, उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो ये दूसरा है जो आरएनए में प्रोसेसिंग कर रहे हो, पहला आपने एडिनिन जोड़ा, दूसरा उसमें पहला आपने मिथाइल जोड़ा, मिथाइलेशन बोल रहे हो, कैपिंग बोल रहे हो, और दूसरा उसमें क्या कर रहे हो, नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, इंट्रॉन को काट के हटा रहे हो, स्प्लाइसिंग कर रहे हो, स्प्लाइसिंग कर रहे हो, और तीसरा इसमें एडिनिन का टेल जोड़ रहे हो, बहुत सारे एडिनिन इसमें जोड़ रहे हो, एडिनिन का टेल जोड़ते जा रहे हो। ये तीसरा है, पॉली एडिनाइलेशन के नाम से जाना जाता है, पॉली एडिनाइलेशन मतलब बहुत सारे एडिनिन यहां पे आपने जोड़ दिया। तो ये तीन प्रोसेस होती हैं जो यहां पे आपको आरएनए में प्रोसेसिंग की जाती है, ताकि आरएनए लंबे समय तक जी पाए, उसकी एक्टिविटी खराब ना हो, है ना, और वो प्रोटीन बनाने में उसका रोल कंप्लीट हो पाए, जो उसका रोल है वो निभा पाए वहां पे, ताकि आपका प्रोटीन बने। ठीक है ना, जो राइबोसोम के पास बनना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मिथाइल जितना ज्यादा जुड़ेगा उतना ज्यादा, जितना मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, CH3 ग्रुप जितना ज्यादा जुड़ेगा उतना ही हाफ लाइफ पीरियड बढ़ता जाएगा, उतना ही इसका समय जो है, इसका जो जीवन है एमआरएनए का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो मिथाइल ग्रुप के आधार पर भी बांटी जाती है, बट आप इतना ध्यान रखना, एक मिथाइलेशन करते हैं तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है एमआरएनए की, एक यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंट्रॉन सीक्वेंस को काट के हटा रहे हो, स्प्लाइसिंग कर रहे हो, और एक आपके पास बहुत सारे एडिनिन की पूंछ जोड़ रहे हो, एडिनिन बेस जो होती है ना उसकी पूंछ यहाँ पे आप जोड़ते जा रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बस दिस इज द मेन थिंग दैट यू मस्ट नो, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये एमआरएनए की कहानी थी। अब हम लोग एमआरएनए कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपको ज्यादा कुछ एमआरएनए में जानना नहीं है। लभा ये एडिनिन कितने जुड़ेंगे, कोई पूछा आपसे, नहीं पूछेगा, 60 से 80 के आसपास जुड़ते हैं, 60 से 80 एडिनिन की तेल होती है, वो बन जाती है, पूंछ बन जाती है। ठीक है, 60 से 80 के आसपास ऐसा होता है। अब इसमें आगे चलते हैं, समझ में आ गया। तो ये नॉनसेंस पार्ट आपने देख लिया जो कोई काम के नहीं है, ये जो ये है काम का वो आपने देखा सिस्ट्रॉन, उसमें भी देखा आपने कि इंट्रॉन कोई काम का नहीं है, ये भी नॉनसेंस है, एक्सॉन है जिसके पास इंफॉर्मेशन है जो प्रोटीन बनाने में भाग लेगा। उसी तरीके से डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए का लगभग 95 से 96-97% भाग नॉनसेंस होता है, उसका भी 95% भाग से भी ज्यादा, लगभग 96-97% तक का भाग जो होता है वो नॉनसेंस है, वो कोई काम का नहीं है डीएनए का। ये तो एमआरएनए में आपने देखा, उसमें भी नॉनसेंस होते हैं, 95% के आसपास का भाग नॉनसेंस होता है, कोई काम का नहीं है डीएनए में। ठीक है, लेकिन जो डीएनए का जो 95% भाग है जो कोई काम का नहीं है, उसका रेप्लिकेशन भी होता है, उसका रेप्लिकेशन होगा, उसका क्या होगा, लिंकेज भी होगा, आपने लिंकेज सुना होगा, नहीं सुना होगा, उसका लिंकेज भी होगा, लेकिन उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। डीएनए से आरएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना वो नहीं होगा। तो 95% जो भाग है डीएनए का लगभग वो नॉनसेंस है, वो कोई काम का नहीं है, वो सदियों से लाखों वर्ष से हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, आगे आते जा रहा है। ठीक है ना, हमारे पूर्वजों से वो आगे की ओर कैरी होते जा रहा है। ठीक है ना, ये कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता है। 95% जो डीएनए का लगभग भाग है वो नॉनसेंस पार्ट है, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया, कोई काम का इंफॉर्मेशन उसके पास है ही नहीं, जंक डीएनए के नाम से भी जानी जाती है, जंक डीएनए। बायोटेक में पढ़ोगे, बस यहां पे मैंने आपको हिंट कर दिया, बायोटेक में पढ़ाऊंगा वहां पे, जंक डीएनए, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, बस इतना समझ लो, है ना। अब डिटेल में जाऊं तो उसमें भी कुछ चीजें बताई जा सकती है ना, बट आप इतना ध्यान रखना, जंक डीएनए है, नॉनसेंस डीएनए है, 95% आपका डीएनए का लगभग 95% जंक डीएनए है, कोई काम का डीएनए है, नॉनसेंस डीएनए है, लेकिन ठीक है ना। और ये डीएनए जो पार्ट है ये लाखों वर्षों से चलता आ रहा है, पूर्वजों से आगे की ओर चलता आ रहा है। ठीक है ना, और इसका यूज करते हैं कहां, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नॉनसेंस डीएनए का यूज होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, फॉरेंसिक साइंस जो होते हैं वहां पे यूज करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं, आपके पूर्वज कौन थे, एंसेस्टर की पहचान करना हो वहां पे यूज करते हैं इस नॉनसेंस पार्ट को। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, आप किस कंट्री से आए हैं ये पहचान करना हो, आप कहां से, आपका उद्गम हुआ था, आपकी ओरिजिन कहां से हुई है, इसकी पहचान करना हो तो नॉनसेंस डीएनए से ही पहचान की जाती है। तो नॉनसेंस डीएनए का अपना यूज है,
भले उसमें कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सदियों से चलता आ रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, लेकिन वो यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा पार्ट यूज किया जाता है डीएनए का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग, एलेक्स जेफरी ने दिया था, तो वो नॉनसेंस पार्ट है। फॉरेंसिक साइंस में अपराध जो विज्ञान होती है, जो अपराधी है स्थल पे जो भी अपराध करते हैं, रेप हुआ, ये सारी चीजों में कोई भी उसका भाग मिला, बाल मिल गया, नाखून मिल गया, सीरम मिल गया, क्या कहते हैं आपका स्पर्म मिल गया, कुछ भी मिला, तो उसमें से नॉनसेंस पार्ट जो डीएनए तो मिल ही जाएगा, बाल भी उसमें भी डीएनए है, बाल है उसमें भी सेल है उसमें भी डीएनए है, तो डीएनए निकालेंगे, वो डीएनए का कौन सा भाग हम लोग यूज करेंगे, नॉनसेंस वाला पार्ट, नॉनसेंस जो जंक डीएनए 95% वही यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फॉरेंसिक साइंस में अपराधी जो होते हैं उनकी चेकअप करने के लिए, अगर बच्चे की अदला बदली हो गई है उसमें भी आपको यूज करते हैं, पेरेंट्स बेबी के लिए जो आप जानते हो ना कि बच्चे की अदला बदली हो जाती है उसमें भी यूज करते हैं, अपराधियों को पकड़ने में यूज की जाती है, आपके पूर्वज की जानकारी लेनी है उसमें यूज की जाती है, ये सारी चीजें आप किस कंट्री से आए हो उसकी भी जानकारी नॉनसेंस डीएनए से ही पता चलता है, जंक डीएनए से ही पता चलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जंक डीएनए मतलब इसके पास कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रोटीन बनाने में भाग ले रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं, उसमें नॉनसेंस है, वो जंक है, बट इसका यूज है जो आपने देखा मैंने आपको बताया। तो ये बेसिक चीजें आपको जाननी थी, ठीक है, अब आगे चलते हैं, बेसिक चीज आपने समझ ली है, ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया, सिस्टोन किसको बोलते हैं, एक सिस्टोन एक पॉलीपेप्टाइड जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, और सिस्टोन किसको बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन से लेते हुए टर्मिनेशन कोडॉन का जो भाग है आरएनए का उसको सिस्टोन बोलते हैं, लेकिन उसमें भी दो भाग होता है, उसमें एक्सॉन भाग होता है वो काम का है, इंट्रॉन काम का नहीं है, ये कोई भी प्रोटीन को बनाने में भाग नहीं लेता है, इंट्रॉन इसको काट के निकालना है, उसको आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से जानी जाती है, जो मैंने आपको तीन प्रोसेस बताई थी। तो ये आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। अब एमआरएनए पे आपने वैक्सीन बनाई है, एमआरएनए वैक्सीन जो बनी है क्या है, अब सुनते जाओ, एमआरएनए वैक्सीन क्या है, आपकी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है उसमें आरएनए, उसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, और उसके ऊपर बाहरी स्पाइक प्रोटीन बने हुए हैं, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बने हुए हैं, है ना, तो हमने क्या किया कि एक हम लोगों ने, ये कोरोना वायरस है उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और ये स्पाइक्स प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसको नाम से जानते हैं, ठीक है, और इनवेलप भी होगा, तो कोरोना में है। तो अगर बात करें कि ये कैसे हम लोगों ने एमआरएनए वैक्सीन बनाया है, कैसे बनाया, एमआरएनए हम लोगों ने तैयार किया, एमआरएनए तैयार किया, उसमें हम लोगों ने उसके ऊपर से कवरिंग कर दी फैट की, फैट वसा की कवरिंग कर दी, और इसलिए कि ताकि वो सेल में जा पाए, क्योंकि सेल की जो कवरिंग होती है वो फैट की होती है, लिपिड की होती है, लिपिड बाइलेयर, याद है, तो सेल के अंदर जा पाए हम लोगों ने फैट की कवरिंग की इसलिए, ठीक है। तो ये मान लो कि सेल है, ये इसके अंदर जाएगा, है ना, ये हमारा एमआरएनए है जो हमने बनाया, फैट से कवर कर दिया, फैट से, लिपिड से, फैट पार्टिकल से इसको कवर कर दिया ताकि ये सेल के अंदर घुस पाए। अब ये सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर ये घुस गया, ये आ गया एमआरएनए जो अपने वैक्सीन डाली है, और इसके अंदर में और भी चीजें, एमआरएनए सुगर भी है, बहुत सारी चीजें, बट एमआरएनए वैक्सीन आप समझ सकते हो, एमआरएनए हम लोगों ने बनाया है। अब ये एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए यहां पे आने के बाद ये एक प्रोटीन बनाएगा। एमआरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन के माध्यम से प्रोटीन बनाता है, पता है ना, एमआरएनए जो आपने बनाया है वैक्सीन, वो जो बॉडी में गई, सेल में गई, मसल में आपने डाला, मसल में इंजेक्शन के माध्यम से जो सेल में गया, सेल में जाने के बाद वो काम करना स्टार्ट करेगा, वो प्रोटीन बनाएगा। कौन सा प्रोटीन बनाएगा, वो जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वही प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया, ये जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, ग्लाइको प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन बनाएगा। जब ये प्रोटीन बनेगा तो ये तो प्रोटीन बॉडी में थी नहीं हमारे पास पहले से, जैसे ये प्रोटीन बनेगा सेल के अंदर वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा, यदि कुछ तो फॉरेन चीजें, कुछ तो हमारे शरीर में ऐसा चीजें आ चुका है जो हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, तुरंत इम्यून सिस्टम जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, जो बीमारियों से लड़ने की, डिजीज से लड़ने की जो क्षमता है, वो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम तुरंत उसके प्रति एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी वाई शेप के होते, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी बन चुकी है, कैसे, आपने बस एमआरएनए के माध्यम से वो प्रोटीन बना लिया, ग्लाइको प्रोटीन, जो कि इसके सरफेस पे होता है कोरोना वायरस के, और ये आपके बॉडी में बन चुकी है, और जो कि ये आपके बॉडी में होती नहीं है, तो आपका शरीर जो है उसको फॉरेन मानेगा, वो विदेशी चीज आ चुका है आपके बॉडी में, जो आपका बॉडी का है नहीं, वो पराया है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी बॉडी, आपकी इम्यून सिस्टम उसके प्रति एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, उसको हटाओ काटो, एंटीबॉडी बन गया इसके प्रति, इसके स्पाइक प्रोटीन के प्रति कोरोना वायरस के, बस क्या हुआ, एंटीबॉडी बन चुकी है, आपने एंटीबॉडी बना लिया। अब क्या होगा, एक्चुअल जब एमआरएनए आएगा
तो mRNA के स्पाइक्स प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है, वो एंटीबॉडी तुरंत अटैक कर देंगी जब एक्चुअल जब कभी कोरोना वायरस आपके शरीर में आएगा तो। एंटीबॉडी पहले से बन गई। देखिए आपने mRNA से कैसे यूज करके एंटीबॉडी बना लिया, कैसे आपने स्पाइक प्रोटीन का संश्लेषण कर लिया। mRNA वो कोडिंग है, mRNA वो कोडिंग है जिस कोडिंग के माध्यम से जैसे ही सेल में mRNA जाता है, वो वैक्सीन जाती है, तो वहां पे आपका प्रोटीन बनने लगते हैं, स्पाइक प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि कोरोना वायरस के सरफेस पे होते हैं। जब बन जाएंगे वो आपके शरीर का है नहीं, तुरंत आपके शरीर रिस्पॉन्स देगी कि भैया ये कोई पराया आ चुका है शरीर के अंदर, जल्दी इसको काटो, नष्ट करो। तुरंत एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके बॉडी में, एंटीबॉडी वाई शेप के होते हैं। अब ये एंटीबॉडी बन गए कोरोना वायरस के खिलाफ, क्योंकि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही बना है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन आपके बॉडी का था नहीं तो उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके प्रति इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देगा, अपनी इम्यूनिटी जो आपके है वो एक एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी इसके खिलाफ। अब कभी कोरोना वायरस आपके संपर्क में आता है तो पहले से उसके खिलाफ आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन के बैठी हुई है, पहले से बन गई है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी ऐसे से लड़ पाएगी। तो ये mRNA वैक्सीन है। नॉर्मल जो वैक्सीन होती है क्या होती है, वो एक्चुअली कोरोना वायरस को ही वीक कर दो, कोई वायरस को कमजोर कर दो, डेड कर दो, हीट किल्ड कर दो, वो वायरस ही होता है कमजोर फॉर्म में, वो डाला जाता है। तो डर ये होता है कहीं वो वायरस जाके एक्टिव हो गया तो हमें तो बीमारी कर डालेगा, जैसे पोलियो वायरस। पोलियो वायरस क्या है, वो तो वायरस ही है कमजोर फॉर्म में, बहुत वीक किया हुआ है, उसी को हम लोग ड्रॉप पिलाते हैं, पोलियो का ड्रॉप। अगर वो जाके बॉडी में एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया, तो पोलियो कर देगा। तो ये डर हमेशा बना होता है, लेकिन यहां पे ऐसा कोई डर नहीं है। mRNA हम लोगों ने बनाया, ये mRNA के पास क्या मैसेज होगा, वो प्रोटीन बनाएगा। कौन सा प्रोटीन, हम लोगों ने ऐसा मैसेज इसमें डाला जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को बनाए, वो मैसेज हमने डाला स्पाइक प्रोटीन को बनाए, वो यहां पर बनना स्टार्ट, उसके प्रति हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम तैयार हो जाएगी लड़ने के लिए, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बन गई, वही तो वायरस वैक्सीन का रोल होता है। वैक्सीन का मेन काम क्या है कि आपके बॉडी में उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, जब वो वायरस कभी आएगा तो एंटीबॉडी आप में पहले से है, तुरंत अटैक कर देगी उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी जो आपके बॉडी में है, और आप बच जाओगे, बीमारी आपको नहीं होगी, आपको वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, अच्छे आप बच जाओगे। तो ये वैक्सीन का खेल है। तो ये mRNA वैक्सीन थोड़ा सेफ है क्योंकि इसमें आप वायरस वगैरह का यूज नहीं कर रहे हो जो आमतौर पर वैक्सीन में किया जाता है। तो ये बेसिक चीजें थी, पुणे कंपनी ने बनाया है, ये सब आपको मैं कभी बता दूंगा जब बायोटेक पढ़ाऊंगा, वहां भी बता दूंगा, ठीक है ना। जिनोवा कंपनी है और कोई कंपनी उसके साथ मिलकर बनी है, वो चीजें आपको बता दूंगा, लेकिन आपको समझना है mRNA वैक्सीन सेफर है। तो mRNA के अंदर आपने देखा कि वो मैसेज हम लोग ने डाला है, mRNA के अंदर कैसे बनाया हमने, वो मैसेज डाला होगा ऐसा मैसेज जिसके थ्रू ये स्पाइक प्रोटीन जो ग्लाइको प्रोटीन है कोरोना वायरस के सर्फेस पे ये जो धंसा हुआ है, ये प्रोटीन को बना दे। हमने ऐसा मैसेज, तो हमने स्टडी की ना कोरोना वायरस की, हमने अच्छे से स्टडी की है उसके ग्लाइको प्रोटीन में क्या क्या एमिनो एसिड है, किस प्रकार की एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, उस तरीके से हमने mRNA बना लिया कि वैसा mRNA बनाओ और उसके अंदर ऐसा इंफॉर्मेशन दो कि वो ऐसे एमिनो एसिड को कोड करे जिसके माध्यम से वही स्पाइक प्रोटीन बन जाए जो कोरोना वायरस के सरफेस में होता है। और ये जब घुसेगा स्पाइक प्रोटीन बना आपके सेल के अंदर, तुरंत आपके बॉडी इम्यून सिस्टम तैयार हो जाएगा लड़ने के लिए, क्योंकि कोई फॉरेन आ चुका है, कोई पराया आ चुका है, कोई विदेशी आ चुका है जो हमारे शरीर का नहीं है, तुरंत ऐसा रिस्पॉन्स आ जाएगी, तुरंत एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट हो जाएगी, एंटीबॉडी वाई शेप के होते हैं नॉर्मली, बनना स्टार्ट हो जाएगी। और कभी जब कोरोना वायरस आपके बॉडी में आएगा, तुरंत एंटीबॉडी अटैक कर देगी और आपकी लाइफ बच जाएगी, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये वैक्सीन का एक मेन कॉन्सेप्ट है mRNA वैक्सीन, जो कि बहुत सेफर है नॉर्मल वैक्सीन से। नॉर्मल जो वैक्सीन होती है जिसमें डेड फॉर्म में, एटीन्यूएटेड फॉर्म में, हीट किल्ड फॉर्म में वायरस को कमजोर करके ही हम वैक्सीन बनाते हैं, फिर वही बॉडी में डालते हैं, लेकिन डर जरूर रहता है कहीं वो वायरस बॉडी में जाकर एक्टिव हो गया। आपने देखा होगा जब आपने कोरोना का जो वैक्सीन लिया तो कोई को बुखार आ रहा है, कोई को कुछ आ रही है, होता है, किसी को तो हो ही गया, किसी को तो कोरोना ही हो गया, लेकिन माइल्ड फॉर्म में हुआ, लेकिन हुआ ना, तो डर तो हमेशा था। हम लोगों ने सोचा कि एक्चुअल ना ऐसा बनाए जिससे डर भी खत्म हो जाए, हमारा काम भी हो जाए। तो mRNA ये तो पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है, आपको पढ़ाया आपको, बस इसके पास मैसेज है। कौन सा मैसेज है, वो मैसेज है जिसके स्पाइक प्रोटीन को बना दे, वही मैसेज हमने इसमें डाल दिया, अंदर जाएगा वो मैसेज का क्या होगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगी। कौन सा प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन। और ये आपके बॉडी का है नहीं, ये कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन आपके बॉडी में बन जाएगी, तुरंत एंटीबॉडीज के खिलाफ लड़ना स्टार्ट, बनना स्टार्ट हो जाएगा एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडी बन गई एक बार बॉडी में, कभी कोरोना वायरस आया तो एंटीबॉडी पहले से तैयार है लड़ने के लिए, यही वैक्सीन का कॉन्सेप्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको mRNA के बारे में समझ में आया होगा। mRNA मैसेज कैरियर है, जो DNA के अंदर हिडन इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को एक्चुअली mRNA के पास पहुंचना है।
ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, अनुलेखन के माध्यम से, और जो एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेशन के माध्यम से क्या होगा, प्रोटीन बन जाएगा, अनुवादन के माध्यम से एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। दैट्स इट, यही है, प्रोटीन बन चुका है। जैसे आपने देखा प्रोटीन बना, स्पाइक प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन होता है ये, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन ही तो बनाना एक तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको एमआरएनए वगैरह ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ समझा दिया है। बॉडी में जाएगा एमआरएनए, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एमआरएनए से क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन बनता है। वो कौन सा बनेगा, वैक्सीन वाले में ये वाला प्रोटीन बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने वैसा इंफॉर्मेशन, वैसा कोडिंग एमआरएनए के अंदर डाला है वैक्सीन के अंदर, वो वैसा ही प्रोटीन बना है जो कोरोना वायरस के सर्फेस पे पाए जाते हैं। तुरंत बॉडीज के खिलाफ अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। बस काम हो गया, एंटीबॉडी बन गई, अब वायरस आ जाए हमारी बॉडी तैयार है पहले से लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो बस यही था आज के लिए, आई होप आपको समझ में आई होगी, एमआरएनए कंप्लीट। और अब विटामिन्स में थोड़ी बची हुई है, तुरंत डाइजेशन स्टार्ट करता हूं मैं। और साइंस में, साइंस टेक्नोलॉजी चली रही है, साइंस मैंने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है, बायोलॉजी चल रही है, तो आप पढ़ते जाएं, कंप्लीट करते जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको समझ में आई होगी। और कमेंट करेंगे, इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है, आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आसानी से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। बट कोशिश मैंने की है कि कम से कम समय में आपको एमआरएनए समझा दूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।